पिता हमें बहुत खुश है ना, और हम इस साल सत्यनारायण विष्णु भगवान का पूजा के करे लागे ना। एक दिन कर बात है, यह ब्राह्मण देवता धन रुपया के इकट्ठा करके दिन में सत्यनारायण भगवान का पूजा के आंगन में कर रहे हैं। संध्या कालीन का समय है, पूजा हो रहा है, ब्राह्मण देवता कथा के सुना रहे हैं। वह समय दूसरा गाँव से एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जैसे अपन माथा में लकड़ी के लेके बेचे कर खातिर मन पहुंचेला तो देखेला ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे हैं। बहुत प्रकार का आदमी बैठ के कथा के सुन रहे हैं। ओके देख के लकड़ी बेचने वाला का खेला लकड़ी के राख देना चुपचाप जाके बैठ गया। जब पूजा समाप्त हो रहा सब प्रसादी लेके जाए लगे ना, तो उस समय लकड़ी बेचने वाला हाथ जोड़ करके कहला है राम देवता रोजे मनी का करेला इधर तरफ से का फल मिला तरी बताओ ना, सुने तीरे जाने तीरे तरी बताओ। ये वाणी के सुन करके रावण देवता बताए न कहे नहीं लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा सुनो, ये सत्यनारायण भगवान का पूजा करके हम अपन जीवन के कल्याण की सत्यनारायण भगवान का पूजा के करवाए तो आपने कभी कष्ट तकलीफ दूर हो जाए। ये वाणी के सुन के लकड़ी बेचने वाला करके हृदय गंगा जल पिला बहुत प्रसन्न है ना, जल पी के प्रसाद ग्रहण करके भगवान के प्रणाम करके और वहां से लकड़ी के माथा में उठा के मन में विचार कराने की आज ये लकड़ी के बेचन से जो भी रुपया का प्राप्ति हो हम सत्यनारायण भगवान कर पूजा जरूर करब। ऐसा मन में विचार करके लकड़ी के बेचे भगवान का दया से भगवान का आशीर्वाद से जब वह लकड़ी के बेचे ना तो वह लकड़ी का दाम दुगुना मिलेगा। प्रसन्न करके होने से पूजा पाठ करेगा सामग्री दे ले ना, भाई बंधु के बुलाए ना, गुरु रोहित के बुलाए ना, भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान कर पूजा के करे लगे ना। भगवान कर पूजा कर बाद कुछ दिन मित्र बाद वो लकड़ी बेचने लकड़हारा कर गरीबी धीरे धीरे दूर चला गया, धन संपत्ति का भंडार बने लागेला। तब तक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा बहुत प्रसन्न है ना, और अंत समय में धन पुत्र आदि से युक्त है करके संसार को समस्त सुख के बैठ करके मरे बिना सीधे बैंकुट लोग चल जाए ना। इतने श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय समाप्त। हरि ओम ज्योति अलौकिक ज्योति अर्पित करस्यामि।